बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए मैंने बोनलेस गोश्त लिया है 3 पौंड। 1.5 कप चने की दाल है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, फ्रेश लहसुन डालें आप, फ्रेश अदरक डालें बहुत अच्छा होता है शामी कबाबों में, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास है भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, 10 से 12 मिर्चें आप ले लें साबुत लाल मिर्च। कुछ मिर्चों के बीज मैंने फेंक दिए हैं और कुछ को पूरा बीजों के साथ रखा है ताकि इसमें तेज़ी ना आए। लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी मैं 2 टेबलस्पून। इसको हम बनाएंगे कुकर में, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कुकर में डाल दूँगी ये सब चीज़ें, सारे मसाले गए कुकर में, गोश्त, चने की दाल। पानी हमें कम डालना है ताकि खुश करने में आसानी रहे। 2 टेबलस्पून में डालूंगी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। डेढ़ कप पानी लिया मैंने, अब इसको हम खुश कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, तेज़ आंच के ऊपर से खुश कर लें। इस तरह से इसको तोड़ लें। इस टाइम पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। इसको खुश करने के बाद इसे हम पीसेंगे। इसको अच्छी तरह से मैंने चमचे से कूट लिया है, इससे स्पैचुला से बिल्कुल बोटियाँ मैश हो गई हैं, इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। गोश्त को अच्छी तरह से मैंने खुश कर लिया है, अब इसको हम चॉपर में, फूड प्रोसेसर में पीसेंगे। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। शामी कबाब के लिए मैंने 2 प्याज़ों को चॉप कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना और 6 हरी मिर्चें। गोश्त जब ठंडा हो जाएगा तो उसको फूड प्रोसेसर में पीस लेंगे। कीमे को मैंने पीस लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 अंडों को। और साथ ही में डालेंगे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च को। तो मैं बड़े बर्तन में डाल के मिक्स करूंगी। इसमें डाल देंगे हम इसको, साथ ही में डाल दूंगी ये मसाले। इसमें एक ट्रे में हम शामी कबाब बना के रखते चले जाएंगे। किसी भी मीट से आप बना सकते हैं, चिकन से, गाय के गोश्त से, मटन से। बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब बने हैं। जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं, रूखे खा लें, बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें पुदीने की और इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हरा धनिया, पुदीने और हरी मिर्च की। शामी कबाब हमारे डन है। शामी कबाब को मैंने डिश आउट कर लिया है थोड़े से केचप के साथ, या आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बनाकर ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।